नमस्कार, इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय में हैं और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में कैथल जिले के किसान यहां पहुंचे हैं, तो काफ़ी इनकी डिमांड है। आपको बता दें कि जो गुलाचिका क्षेत्र है कैथल जिले का, उसमें जो काफ़ी फसलें बर्बाद हो गई थी उसके मुआवजे की भी मांग है, और जो धान की सरकारी खरीद है उसको जल्द शुरू करवाने की ये किसान मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथ विक्रम कसाना भी मौजूद है, केसाराम प्योदा, जो आपको बता दें कि पिछली साल भी जैसे धान की जिस टाइम बोली नहीं लग रही थी, केसाराम प्योदा मंडी में था उस दिन, बारिश हो रही थी जी, इसने जीरी भी कही थी। तो सबसे पहले विक्रम कसाना से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ मांग है इनकी। हाँ जी विक्रम जी, देखिए आज पूरे देश भर में भारतीय किसान चढ़ूनी द्वारा धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू करवाने को लेकर, बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर और भी जो स्थानीय किसानों के मुद्दे हैं पूरे देश में, उनको लेकर आज जिला सचिवालय में प्रज्ञापन दिए गए हैं। और हमारी एक कैथल जिले के किसानों की मांग है कि हमारा बहुत सा क्षेत्र गुलाची का जो बाढ़ क्षेत्र है पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं किसान, उसको लेकर जब इन्होंने सर्वे किया तो उस सर्वे में इन्होंने जो पूरी तरह से 100% खराबा था उसको प्रशासन के लोगों ने 32% खराब दिखा दिया। हमारी मांग है कि उस 32% खराबे को 100% किया जाए, और जो धान की खरीद है जो 1 अक्टूबर से बार बार कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से खरीद शुरू करेंगे, हम कह रहे हैं कि 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू की जाए। क्योंकि अभी मैं आप पत्रकार साथी हैं, आप लोगों को बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि आप मंडियों का दौरा कीजिए, मंडियों में मोटी धान आनी शुरू हो गई है और जो प्राइवेट खरीदार हैं उन्होंने पुणे दामों में किसान की लूटना शुरू कर दिया है। किसान के पास 1 अक्टूबर तक का समय नहीं रहेगा, 15 से लेकर 20 सितंबर तक मंडियां लबालब भर चुकी होंगी धान की, तब तक जो ये किसान हैं, जो ये प्रशासन के लोग हैं और जो सरकार की खरीद एजेंसियां हैं, ये प्राइवेट खरीदारों को भेजकर उनको औने पौने दामों में लूट लेंगे। विक्रम जी, जैसे आपने बताया सर्वे हो गया, 32% का हुआ, अभी तो मुआवजा मिल गया? अभी तो 32% की देने की बात की है, हम ये भी कह रहे हैं कि मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाए, 50,000 रुपये प्रति एकड़, उसमें ट्यूबवेल का मुआवजा अलग से दिया जाए, पशुओं का मुआवजा अलग से दिया जाए, खेत में जो खोटा वगैरह था बना हुआ था, ब्रांडे बने हुए थे उनका मुआवजा अलग से दिया जाए, किसान को पेड़ पौधों का मुआवजा अलग दिया जाए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि फसल का मुआवजा देंगे भी 32%, और देंगे भी कब देंगे कोई डेट और कोई तारीख इन्होंने तय नहीं की। इसको लेकर भी हमारी मुख्य मांग है कि किसान को जल्द ही मुआवजा भी देने की बात करें। किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि किसान जब खेत को तैयार करता है धान लगाने के लिए, उस समय से लेके और कटाई तक पता नहीं कितना पसीना खेत में बह जाता है, पैसा पानी की तरह बहता है, आए दिन नए नए पेस्टिसाइड खाद दवाई अलग अलग क्वालिटी उस पर खर्च कर देता है, और उसके बाद जब भाव मिलने की बारी आता है वही डाक के तीन पाता हूँ मंडियों में, जो फसल रेट तो कम मिलता है उसके खरीद प्रबंध के जो कुप्रबंध मंडी में दिखाई देते हैं उसके लिए सरकार पूर्णतः दोषी है, सर किसानों की कोई ध्यान नहीं देती। तो जैसे कि आपने वगैरह भी आज दिए हैं, तो आपको लगता है कि सरकार इसका जल्दी से मतलब जो मुआवजा वगैरह है जो किसानों की मांग मान ले? बिल्ली की औकात है नहीं कि शेर का शामी म्याऊं कर जाए, जब किसान उठ कर सड़क पर निकल जाए, नहीं बड़े बड़े सियासत निकल जाए सरकार, और सरकार की तो चीज़ें की है सरकार तो, और सर जब किसान निकले अपनी मांग मनवाने, तो चाहे पीछे दिल्ली का आंदोलन आप लोगों ने देख लिया, और भी अलग अलग मुद्दे समय समय पर आते रहे जो किसानों ने सरकार हर बार मनवाते हैं, और अब पिछली बार भी आप जैसे कह रहे थे जो सरकार अपने हाथ खड़े कर चुके थे किस वहाँ पर जो अड़ती एसोसिएशन थी वो हाथ खड़े कर चुके थे, मंडी पानी की भरी हुई थी, जीरी कह रहे थे कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन हमने जब अड़िग फैसला ले लिया था कि खरीद तो करवानी है और आज की डेट में करवानी है, हम वहाँ से खरीद करवा के निकले थे। तो क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है या कुछ इस तरह की मांगे हैं राजनीति की भेंट चढ़ जाए? नहीं, जो मांगे हैं खेत की मिट्टी की मांगे वो तो किसान ने राजनीति की भेंट चढ़े नहीं कह सकते, हाँ थोड़ी बहुत जो इनके पीछे होता है वो राजनीतिक लोगों का आना जाना होता है वो बात अलग है, लेकिन मांग है वो किसान नहीं है जायज़ है, वो पूरी होनी चाहिए। जी किस तरह पहुँचे हो यहाँ पहुँचे? हमारा गुलाल काम है, जीरी बहुत मरिया जी। अच्छा। गवर्नमेंट कह रही है 32% लिखा, 32% में तो कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। नुकसान हमारा 100% होया, 100% का 100 होया। तो अब मुआवजा मिल गया? नहीं कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। अच्छा। बस वो आप रोन आए हैं। अच्छा। रोनो आए और क्या करी है? अच्छा, कौन सा काम है आपका? गगड़पुर। जो जीरी पहले लगाई थी सारी मर गई थी? तीसरी बारी लगाई है जी, नीमी जगह तीसरी बारी। अच्छा। हाँ कठी लुधियाना जलंधर अंबरसर थोड़ी पौध नहीं छोड़ी। अच्छा। हाँ बहुत मेहनत करी है, मतलब तीसरी बार जीरी लगाई? तीसरी बारी जीरी लगाई, कुछ लबा लबा नीमे खेत में। अच्छा, खर्चा बहुत हो गया? बहुत खर्चा हो यार, 5,000 तो लुआई होती, ट्रैक्टर का खर्चा, पौध लियाण का खर्चा अलग था, पौध पाड़ी पड़ी के 5,000 ले देते। अच्छा। पढ़ाने वाले ले देते, पढ़ाकर ले करते, कोई अंबरसर से ले रहा, कोई लुधियाना ले रहा, कोई कहीं से ले रहा, कोई कहीं से ले रहा। अब मेन मुआवजे की मांग आपकी है? हाँ, जीरी का 30% लिखा है इन्होंने, 20% में तो कुछ नहीं मिलता।
100% मरी आ जी, दोबारा लगी है ना, खर्चा उदो मारा खर्चा कट लो जो भी हो या जो कुछ भी है, बिना मरे नहीं ना कहते, देखा जागा अफसर ने देखा है, आज भी देख सका जागा, दरख्त गिरे पड़े हैं, बहुत बुरी हालत है। साधु राम है जी, मुंदली, हाँ मुंडा पहुंचे जी, मारा दमी लूट मचा रखी है किसान मैं लेंगे ना, हाँ मैं पूछो मैं सारी चीज दिखी है मेरी जमा ना कुछ नहीं नहीं धक्के खाते फिर हूं तो कह दें दें कुछ नहीं फसल मारी मरी ईब लूटा सुटी होगी दाने नहीं बिकते मन तो सारे मरण मा भाई किश्ती मरा है मुआवजे खातर भी आए फसल भी बेचने खातर आए फसल सारी हैरी है इनका बोली होगी कभी बोली फिर हो फिर मन के फायदा होया तो सारी लुटेगी अखीं लगेगी सब्जी कौन मैं करूँ जी 15 किले की आपने क्या किले लगा रखे हैं आपने कितने किले लगा रखे हैं किले तो 15 ला रखे हैं 15 के भी 2100 ठेका भले रखे हैं और बुरछे जे अच्छा तो दोबारा लगाए सारे मर गए तीन बारी ला लिए अच्छा। और एक बारी नहीं तीन बारी ला लिए खर्चा पड़ गया मारा तीन गुना फिर दिक्कत बरते तो करेंगे भी और के करांगे और इसका बिना मारा धंधा नहीं मारा धंधा भी नहीं है इस खेतियों का धंधा मारा तो बस फिर खेती के भी कर रहा हूँ तो 15 किले खेती के कर रहा मेरे पास कुल घर के 2 किले हैं सारे ठेके पर ले रखे ठेका भी नहीं पूरा हूँ बोल के करा हाँ दिक्कत जमी पूरी हाँ